इन लोगों के सोने की देर है। फिर चुप कैसे जाएंगे? हम जाकर हमला कर देंगे। मैंने भूतों की बातचीत मोबाइल पर रिकॉर्ड कर ली है। प्यारे तू मुझे उल्लू बना रहा था, इसमें कोई भूत वाली वीडियो है ही नहीं। आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि प्रीतम प्यारे को घर में घुस के मारूंगा। आप तो कुछ नहीं कर सके। अब मैं सारे भूतों से जाकर कहूंगा कि इस इलेक्शन में सिर्फ मुझे वोट दे। प्रीतम प्यारे को खत्म करने के लिए कोई नया आइडिया सोचना होगा। किसकी वजह से हुआ? आटा गिर गया। ओए होए, और मैं केक में मुंह लेके डूब गया। प्यारे 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 मैं हूँ दीदी। प्यारे मैं हूँ जीजा जी, तुम्हारा जीजा जी। प्यारे प्यारे क्यों चिल्ला रहा है? मेरी जी है। चक्कर ये सब इतनी जोर से चिल्लाया, मैं घबरा गया। जीजा जी के ऊपर गिर गया, जीजा जी केक पे गिर गया, केक जीजा जी के मुंह पे लग गया। ये देख दीदी की क्या हालत कर दी, मेरी दीदी की क्या हालत कर दी तूने। सॉरी, क्या नाटक बना रखा है? अरे मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्ची कह रहा हूँ, सच्ची। इस घर में कभी खोपड़ी दिखाई देती है, कभी परछाई दिखाई देती है, कभी ऐसा आता हुआ दिखता है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ जीजा जी, मैं सच बोल रहा हूँ आपकी कसम। जानू जानू ये सच बोल रहा है, ये कभी नहीं खाएगा आपकी झूठी कसम। हे भगवान, दारा कोयला से बचने के लिए उस घर से इस घर में आए, तो यहाँ पे भी भूत है। जीजा जी, दीदी आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं हूं ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैरी जी आप तो बिल्कुल मत घबराइए, मैं हूं, यहाँ आसपास कोई भूत नहीं है। आपकी तसल्ली के लिए मैं एक डिवाइस लाया हूँ, वो मैं यहाँ लगा देता हूँ। वो लगाऊंगा तो आसपास अगर भूत होगा भी तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है? गुड, वेरी गुड। मैं डिवाइस लेकर आता हूँ, आप लोग अपना मुंह धो के रखिए प्लीज। चलिए जानू, चल 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 चल। क्या प्यारे? सॉरी मेरी जी, जीजा जी, बहुत अच्छा आइडिया मिल गया, खर्चा भी कुछ नहीं। बोलो मालिक, हम लोग क्या करता है, प्रीतम प्यारे का पास में जाता है, उसको बोलता है कि हमसे समझौता कर लो, तुम्हारा आइडिया का भीतर में हम नहीं आएगा, हमारे आइडिया के भीतर में तुम बताओ। सिंपल। पसंद आया? तुमरू दारा इतना कमजोर नहीं कि प्रीतम प्यारे से समझौता करे। दारा बादशाह है, भूतों का बादशाह। गलती हो गया माली, माफ कर दीजिए। बुद्रीना जल्दी से अपने जादुई ग्लोब में देखो कि प्रीतम प्यारे कहां हैं और क्या कर रहे हैं। इससे पहले कि वो डरपोकली सारा खेल खत्म कर दे, मुझे प्रीतम प्यारे को खत्म करना है। ये दारा के ताज का सवाल है और तारा अपना ताज नहीं गवाएगा। देखो तारा, प्रीतम और प्यारे अलीबाग के किसी बंगले में हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ? खूब
ये स्पेशल डिवाइस है मेरी जी, जिसको मैंने भूतोपीडिया की किताब में देखकर बनाया है। बनाया है इसने, लेकिन इसके पीछे का आइडिया तो मेरा है मेरी जी। जीजा जी, लेकिन बनाया तो मैंने है ना। हाँ, लेकिन आइडिया तो मेरा है ना। बनाया मैंने, अरे लेकिन आइडिया तो मेरा है ना। ओ, ये करता क्या है? ओके, इसका आइडिया था ना, तो ये ज्यादा अच्छा बताएगा। बता, तू बता क्या होगा। नहीं जीजा जी, आइडिया मेरा होगा, लेकिन बनाया तो इसने ना, तो तू ही बता। तू बता ना। नहीं तू बता, तू बता, तू बता, तू बता, तू बता, तू बता, तू बता। बताते हो या फिर मैं जानू? रिलैक्स जीजा, रिलैक्स, मैं बताता हूँ। ध्यान से देखिएगा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी भी दिशा में 100 मीटर के दायरे में अगर भूत आया या फिर ऊपर से भी भूत आया तो इस डिवाइस में अलार्म बजेगा, और अलार्म बजेगा और लाइट जलेगी। बजा, मैं कह रहा था यहाँ पर भूत है, यहाँ भूत है, भागो, 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 प्यारे, भूत है। ये मैंने बजाया दिखाने के लिए। हाँ प्यारे, सॉरी। वेल, थैंक यू। तो कहाँ था मैं? हाँ, इसमें लाइट जलेगी और अलार्म बजेगा, और अगर भूत आएगा तो आप लोग तैयारी के साथ रहना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं। मार डाला, मार डाला। पर जानू, मैंने तो कोई शायरी नहीं बोली। अरे नहीं नहीं बोली, ये डिवाइस देखकर इतना खुश हो गया कि मुंह से निकल आया, मार डाला, मार डाला। देखा ना, कितने टैलेंटेड है मेरे भाईस, कितना अच्छा बनाया है इन्होंने डिवाइस। ओए हाय, मार डाला गुगी, अब तो तुमने वाकई में मार डाला। हटाओ इसे, हटाओ। दारा, ये भूत रेडार बहुत खतरनाक चीज है, आगे पीछे दाएं बाएं हम कहीं से भी नहीं जा सकते, और तो और ऊपर से भी नहीं जा सकते, अगर वहां गए तो बुरे फंसेंगे। दारा जाएगा पुत्रीना, दारा जरूर जाएगा। दारा, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अगर हम वहां गए तो उनको मारने के बजाय हम मर जाएंगे। पुत्रीना, तुमने नहीं सुना कि प्रीतम ने क्या कहा? क्या कहा? अगर हम चारों दिशाओं से जाएंगे या ऊपर से जाएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा, लेकिन एक रास्ता अभी भी बाकी है। वो कौन सा रास्ता माली? जमीन का रास्ता। हम प्रीतम प्यारे के बंगले से 100 मीटर की दूरी पर एक सुरंग बनाएंगे, और उसी सुरंग के रास्ते हम उस बंगले के अंदर जाएंगे, और उसी में प्रीतम प्यारे को घसीट कर दफन कर देंगे, और फिर होगा दारा खुश, दारा खुश। वाह भाई वाह, अब जान में जान आई। इस रडार की वजह से कोई भूत हमारे आसपास नहीं आ सकता। अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, भूतों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। चलो गुगी, चलते हैं। चलिए। वेरी नाइस वर्क। हाँ, वेल थैंक यू, ऑल माय प्लेजर। कीप इट अप, बाय। हे भूत रडार जी, भूतों से हमारी रक्षा करना, भूतों पर अच्छे से नजर रखना, उन पर पहरा देना, हाँ कहीं जाना नहीं प्लीज। अब तसल्ली हो गई, अब तो नहीं रात को जगाएगा भूत, भूत, भूत। नहीं नहीं, अब मैं नहीं जगाऊंगा, क्योंकि अब तो ये, अरे ये क्या हो रहा है प्रीतम? कुछ नहीं हुआ, लैपटॉप की बैटरी चली गई है। तू 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 जल्दी से चार्जिंग पे लगा, चल चल चल। नहीं नहीं, ये क्या? नहीं, अरे चार्जर लाना भूल गया हूँ मैं। अरे ऐसे कैसे भूल गया, ऐसे कैसे भूल गया, खाना खाना भूलता है, चार्जर कैसे भूल गया? अरे भूल गया तो भूल गया, अब क्या करें? क्या करें, क्या क्या करें? जा, जा, जल्दी जल्दी चले, क्या अभी जा, अभी जा। पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया, अब चार्जर लेने जाऊं मैं? ऐसे कैसे भूल गया तू? अब यहाँ पर भूत आएगी तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे, क्या करेंगे, यही करेंगे, अब किसी को बताएंगे नहीं कि इसकी बैटरी चली गई है।
किसी को मत बताना, स्पेशली जीजा जी को। उन्हें पता चला तो ऐसा तेरे को, मेरे को, सबको धोएंगे ना, बुरा हाल कर देंगे। निकल तू, चल चल चल, चल। भूला तो मारेंगे मुझे। अरे आइडिया तेरा था ना। कोई हलचल नहीं है पुत्रीना, यही सही वक्त है प्रीतम प्यारे पे हमला करने का। प्रीतम प्यारे, आज की रात तुम्हारी आखिरी रात। दारा खुश, दारा खुश। यही सही वक्त है हमला करने का। दारा, यही है हमारी मंजिल। बुद्रीना, फिर तो हमें डरपोकली का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ना ही वो मुझे भड़काता और ना ही मैं अपने दुश्मनों तक पहुंच पाता। माली, हम जाके वो डरपोकली को धन्यवाद देके आएगा। बेवकूफ, चुपचाप यहीं खड़े रहो। पुत्रीना, अपने जादुई ग्लोब में देखो और बताओ कि प्रीतम प्यारे कहाँ हैं। यहां से दाहिने तरफ के तीसरे कमरे में वो दोनों सो रहे हैं। दारा खुश, दारा खुश। सुना नहीं, सब सो रहे। सॉरी, चलो। को देखकर मुंह में पानी आ रहा है पुत्रीना। पहले मैं छोटे मोटे को खाऊंगा, फिर मैं प्रीतम को जगाऊंगा, उसे तड़पा तड़पा के मारूंगा और फिर उसे खाऊंगा। प्यारे, मेरे मुंह में आ रे। लगता है ये दोनों फिर से झांसा दे गए। दारा, मुझे लगता है उन दोनों को पता चल गया है कि हम यही हैं। कहीं वो दोनों हम पर हमला करने की तैयारी तो नहीं कर रहे। चलो। किंतु माली, ए पीतम सामने में है, इसको तो खा लीजिए। बेवकूफ, अगर प्यारे यहाँ नहीं है तो प्रीतम यहाँ कैसे होगा? और तुम क्या चाहते हो, मैं दोबारा तकिया खाऊं? चलो यहाँ से। दोनों को ढूंढते हैं। और डमरू, तुम भी ढूंढो। दारा, दारा कैसे हो सकता है? तेरा वहम है प्रीतम। सो जा, सो जा। मैरी जी के सपने देख, आराम से सो, भूतों को छोड़। प्यारे, ये भी रात को पता नहीं कहां भटकता रहता, आराम से इसको नींद ही नहीं आती। Thank you.
मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ रॉकेट, मैं रॉकेट बना रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले भी बनाया था भूतों को मारने के लिए। इसमें हंसने की क्या बात है? तेरे को कितनी बार बोला यहाँ भूत भूत नहीं है, यहाँ कोई भूत नहीं है, फिर भी तू क्यों अपनी नींद खराब कर रहा है? चल सोते हैं। आज नहीं नहीं, अगर मेरी बात सच निकली तो तू बैठा रहा, मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं, रुकना रुकना प्रीतम, देख अभी तू आई है तो मेरी थोड़ी सी हेल्प कर देना प्लीज। ये उड़ने का मैकेनिज्म ना काम नहीं कर रहा है, तो जरा देखना प्लीज, मेरी हेल्प कर प्लीज। ओ मतलब तेरे चक्कर में मैं अपनी नींद खराब करूँ? रुकना प्लीज प्लीज, आया है तो मेरी हेल्प करना प्लीज 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 प्लीज। ठीक है, एक शर्त पर। शर्त? हाँ शर्त। अपने भाई को शर्त? हाँ। ठीक है बता। आज के बाद तू मेरी जी के साथ कभी नारियल पानी पीने की बात नहीं करेगा। क्या? नहीं मंजूर, मजा। नहीं 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 नहीं, मंजूर है, सब मंजूर है। मैं मेरी जी के साथ कभी नारियल पानी पीने की बात नहीं करूंगा। नारियल पानी की बात नहीं करूंगा, हाँ लेकिन कोल्ड ड्रिंक की बात तो कर सकता हूँ। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, तो तेरी मदद करता हूँ मैं। हाँ, आना, हाँ। पागल हो गया तू? हाँ? पागल हो गया? सॉरी सॉरी। कनेक्टर तो है नहीं इसमें। हाँ कनेक्टर तो था ना, लेकिन अरे हाँ कनेक्टर तो मैं हमारे रूम में ही भूल गया, सॉरी। जा लेकर आ कनेक्टर। मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत डर लगता है, चलना मेरे साथ। रॉकेट किसको बनाना है? तुझे ना। लेकिन तो बड़ा कौन? मैं। सुनेगा कौन? तू। बात खत्म। जाता हूँ जाता हूँ। प्रीतम तू चल, नहीं मैं जाता हूँ। चाय यहाँ से। सब लोग अपने अपने कमरे में सो रहे हैं, एक एक को उठा के लाते हैं और मिल बांट के खाते हैं। प्यारे रिकॉर्ड कर, वरना सबूत नहीं मिलेगा और कोई तुझ पे यकीन नहीं करेगा कि यह भूत है। बाबा एक छोटा मोटा इधर में है, एक डमरू इसको तारी पकड़ और जाके मालिक का हवाला कर दे, मालिक खुश हो जाएगा, फिर कभी थप्पड़ नहीं मारेगा, बल्कि दारा खुश ऐसा बोल के इनाम देगा। अरे यार एक बात तो मैं भूल ही गया। क्या? अगर हम इन लोगों को खा जाएंगे तो हमारे आका भुजा शतम हमसे खफा हो जाएंगे। अरे ये बात तो मेरे ध्यान में ही नहीं रही। रिकॉर्ड क्यों नहीं हो रहा? उड़ी बाबा, इसका मतलब वो महाशक्तिशाली भूत भुजा शतम एक बंगला का भीतर में है और एक दो जन उसका चेला लोग है। ये तो बहुत बड़ा खबर है, ये खबर तो मालिक को देना होगा, मालिक को देना होगा, मालिक। दारा, हमने सब जगह देख ली लेकिन प्रीतम प्यारे कहीं नहीं मिल रहे। जाएंगे कहां पुत्रीना? यहीं कहीं होंगे, तुम अपने जादुई ग्लोब में देखो और पता करो। मालिक मालिक चुप, दुश्मन चौकन्ना हो जाएगा, धीरे बोलो। मालिक हम आपको खबर सुनाना चाहता है। चुप रहो, मुझे कुछ नहीं सुनना। बुतरीना तुम अपने जादुई ग्लोब में देखो। अरे मालिक हमारा बात सुन तो लीजिए। तमरू मैंने कहा ना चुप रहो। मालिक हमारा बात सुन तो लीजिए। बोलो। मालिक एक घर का भीतर में भुजा शतम है। क्या भुजा शतम? हाँ मालिक, वही भुजा शतम जिसका 100 भुजा है, जिसका 20 मुंह है, जिसका उम्र 2000 साल है। पता है डमरू, हमको लगा आप जानना चाहता है। लेकिन मैंने तो सुना है ये भुजा शतम इतिहास के पन्नों में दफन हो चुका है, तो ये सब तुम्हें कैसे पता चला भैया?
ए, हम रिक्वेस्ट करता है, हमको भैया मत बोलो। ठीक है भैया। माली माली, ये सब बात हम अपना मन से नहीं बोलता है। भुजा शतम के दो चेला लोग को ऐसा बोलता हुआ हम सुन क्या है, और वो भी प्रीतम प्यारे का फैमिली को खा जाना चाहता है। भुजा शतम, भुजा शतम। अच्छा किया डमरू जो तुमने बता दिया, अगर हम उनके शिकार का शिकार करते तो वो हमसे नाराज हो जाते, हमें बहुत बड़ी सजा देते। उनके जैसा खतरनाक ताकतवर भूत इतिहास में न हुआ है और न कभी होगा। पुत्रीना, हमें भुजा शतम से अभी मिलना होगा, अभी।